हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई थिंक आप सब सब अच्छे होंगे। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा इन्फोसिस के ऑफ़र के बारे में। मुझे 5 दिन में ऑफ़र कैसे मिल गया था और मैं आपको पूरा डिटेल वीडियो बताने वाला हूं कि सबमिशन से लेकर ऑफ़र तक क्या क्या प्रोसेस हुआ, ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं, कि बहुत लोग को डाउट होता है कि ऑफ़र आने में कितना टाइम लगेगा, इंटरव्यू के बाद फीडबैक कितना दिन में मिलेगा। सो इस वीडियो में हम पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, प्लीज़ बने रहें और मैं A to Z आपको सब चीज़ बता दूंगा कैसे प्रोसेस होता है, और ये फ्रेशर्स के लिए भी है और एक्सपीरियंस पर्सन के लिए भी है। तो मेरा अकाउंट नौकरी पे पोर्टल पे था और वहाँ से उन्होंने मुझे कॉल किया था, जो थर्ड पार्टी वेंडर्स होते हैं, कि आप इन्फोसिस के लिए इंटरेस्टेड हो या नहीं हो। तो मैंने बोला यस, इंटरेस्टेड हूँ। तो उन्होंने मेरा प्रोफाइल सबमिट किया था और सबमिशंस के बाद 1 वीक टाइम लगा था मुझे कॉल आने में कि आपका वीडियो कॉल 2 दिन बाद होगा। सो मैंने वीडियो कॉल 2 दिन बाद किया था और कॉल एक्चुअली 1 आवर का था, बट कॉल चला था 45 मिनट। 45 मिनट बाद इंटरव्यू ने मुझे बोला था कि विल अपडेट यू एंड मे बी एचआर विल कॉल यू। जैसे 1 दिन बाद मुझे व्हाट्सएप पे एक मैसेज गिरता है, हाई सोनू, प्लीज़ सबमिट योर डॉक्यूमेंट। सो वो इन्फोसिस से था व्हाट्सएप। तो मैंने बोला यार, मुझे कुछ कंफर्मेशन है ही नहीं, मेरा ज्वाइनिंग मैं सिलेक्टेड हो गया हूँ या नहीं हूँ, फिर डॉक्यूमेंट क्यों मांग रहे। सो उसके बाद थर्ड पार्टी का कॉल आता है मेरे पास कि आप सिलेक्ट हो गए हो और आपको ये रिच करेंगे इन्फोसिस के एचआर। सो उनका कॉल मुझे, मेरे पास नहीं आया, उनका कॉल नहीं आया, डायरेक्ट मुझे ईमेल आया ऑफर लेटर का। सो उस पर कोई डिस्कशन नहीं हुआ, सैलरी क्या लोगे, कितना दिन का नोटिस पीरियड है तुम्हारा और कब ज्वाइन करोगे, क्या लास्ट वर्किंग डे होगा। उन्होंने रेंडम सैलरी और डेट भेज दिया 30 दिन, 90 दिन के हिसाब से। सो मैंने देखा, मैंने थर्ड पार्टी को कॉल किया, वो लोग भी कॉल नहीं उठा रहे। फिर नीचे एचआर का भी नंबर था, मैंने उनको कॉल किया, वो भी नहीं उठा रहे। 1 दिन ऐसा ही चला गया। दूसरा दिन इन्फोसिस के एचआर ने मुझे कॉल किया कि सोनू जो है इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ बढ़ नहीं सकता, तो आप देख लो आपको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। उसने मुझे डायरेक्टली पूछा, ठीक है। सो ये टोटल मुझे 5 दिन लग गए ऑफर आने में और मैंने डिक्लाइन कर दिया ऑफर, क्योंकि मेरे पास इस अच्छा का ऑफर था और वो अच्छा खासा सैलरी मुझे दे रहे थे। तो रही बात ये मेरी, जो 5 दिन में सारा कुछ हो गया, इंटरव्यू हुआ, ऑफर भी आ गया। सो मैं जनरल टाइम की बात करता हूँ जो सबको लगता है, जैसे कि एक्सपीरियंस पर्सन इंटरव्यू दिया, वीडियो कॉल के बाद उनको बोलता है एचआर आई विल लेट यू नो। सो आप कितना दिन तक वेट कर सकते हो, पॉइंट। 1 वीक से लेके 3 वीक तक वेट करो, ये मैक्स है, मिनिमम टू मैक्स है। अगर इस बीच में आपका कोई कंफर्मेशन नहीं आता तो प्लीज वेट मत करना, नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए तैयार करो। अगर आपका कंफर्मेशन आ जाता है कि आप सिलेक्टेड हो गए, सिलेक्ट हो गए हो इस पोजीशंस के लिए, आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर दो। और डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद मैक्सिमम 1 वीक टू 1 मंथ लगता है। अगर आप एक्सपीरियंस पर्सन है, 2 साल 3 साल 4 साल, सैलरी मैनेजेबल है, तो कन्फर्मेशन मिल जाती है मैनेजमेंट के थ्रू से। अगर आपका सैलरी ज़्यादा है, 14 15 18 20 22, तो इसमें अप्रूवल लेने में टाइम लगती है, तो घबराए ना, ऑफर आ जाएंगे। अगर जिनका 1 मंथ से ज़्यादा हो जाता है, तो या तो वो पोजीशन इस होल्ड पे चली गई हो, या सैलरी का कोई इश्यू हो, या वो आपको लेना नहीं चाह रहे, इसका मतलब ये समझिएगा। और जो फ्रेशर्स बंदे हैं, फ्रेशर्स बंदे का वो एक साथ ही आता है, जैसे कि कैंपस बुलाते हैं, ऑफ कैंपस आप आ जाओ इंटरव्यू दो, उनका रिजल्ट एक साथ ही आता है, ठीक है। तो उसमें भी 1 मंथ टाइम लगता है, आपको अगर कन्फर्मेशन आ गया, ऑफर लेटर आने में 1 मंथ टाइम लग जाएगा, मिनिमम टू मैक्स 1 मंथ। अगर 1 मंथ के बाद नहीं आता तो जरूर कुछ ना कुछ इश्यू हुआ होगा, या तो आपको डिक्लाइन कर देंगे ऑफर, या पोजीशंस खत्म हो गया होगा, या फिर सैलरी को लेकर कन्फर्मेशन अभी अटका होगा। खासकर एक्सपीरियंस पर्सन, अगर आपको, फिर से रिपीट कर देता हूँ, अगर आपको इंटरव्यू के बाद अगर अपडेट ना मिले, तो 1 2 3 वीक वेट करना, इससे ज़्यादा वेट मत करना, इसके आगे के लिए आप तैयारी करना, ठीक है। अगर आपको कंफर्मेशन आ जाता है कि आप सिलेक्टेड हो गए हो, सो 1 2 3 4 4 वीक में आपका निश्चित ही आ जाएगा। और जिनका नहीं आता, या तो उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ
चीज़ अटका हुआ है या फिर उनका सैलरी ज़्यादा है। तो घबराए मत, आप एचआर को पिंग करें, अगर कॉल नहीं उठाती है, मुझे पता है एचआर कॉल नहीं उठाते हैं, कॉल नहीं उठाती है तो आप मैसेज करो, कॉल करो, व्हाट्सएप करो, ईमेल करो, डेली करो, जरूर रिस्पॉन्स आएगा। आप उसे पूछो कि क्या इश्यूज़ है, क्यों अटका हुआ है, तो जरूर आपको बताएंगे। कभी कभी एचआर आपको जानबूझ के लटका के रखते, क्यों कि आपका सैलरी, आप खुद से बोल दो कि मुझे कुछ कम कर दो, ऑफर भेज दो, तो इसलिए भी वेट करते। मेरे साथ हुआ है, टीसी के साथ हुआ है। तो आप हमेशा एचआर के साथ मतलब अटैच रहे, मतलब हमेशा कॉल, ईमेल, व्हाट्सएप पर रहें उनके साथ, हमेशा अपडेट लेते रहें और पूछते रहें। अगर कोई कोई एचआर होती है जो रिस्पॉन्स कर देती है तुरंत, कोई कोई एचआर यार कॉल उठाते ही नहीं है, मैं परेशान हो गया था, बहुत बंदे ऐसे हैं, 99% बंदे हैं जो सब परेशान हैं। एचआर ऑफर बोल तो दी कि आप कन्फर्म हो, लेकिन ऑफर नहीं दे रही है। अब कॉल पूछ रहा हूँ, उठा नहीं रही है, ईमेल कर रहा हूँ, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। सो अधिकतर जन के साथ यही होता है, अधिकतर लोग परेशान हैं कि यार ऑफर कब देंगे कब नहीं। तो आप घबराए मत, अप्रूवल लेने में टाइम लगता है, आप 1 वीक 2 4 वीक वेट करें फॉर ऑफर लेटर। अगर इंटरव्यू आपका 3 वीक तक अपडेट नहीं करते हैं तो आप समझ जाना कि आप रिजेक्टेड हो, सिलेक्टेड नहीं हो। और मोस्ट प्रोबली इंटरव्यू का अपडेट 1 वीक के अंदर ही भेज देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 वीक, बट रेयर केस में वो थर्ड वीक के चला जाता है। बट अगर 3rd वीक के बाद भी कोई अपडेट ना आए ना, तो आप गाइज इंटरव्यू के लिए दूसरा तैयारी करना, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो मेरा ईमेल सर्च करना, डिटेल्स में मिल जाएगा, आप ईमेल कर देना। अगर और भी कुछ डाउट है तो कमेंट कर देना, मैं जरूर आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है गाइज। चलो टेक केयर, बाय बाय।